सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा वर्ष में मार्च तक देश भर में खेलो इंडिया के 1000 सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही सरकार मलखम जैसे पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी। ठाकुर शुक्रवार को यशवंत स्टेडियम में खासदार क्रीड़ा महोत्सव के 6वें सीजन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। दुधिया रोशनी में आयोजित रंगारंग उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। मंच पर आईओएस सदस्य अमिताभ शर्मा, विधायक द्वय मोहन मते, कृष्णा खोपड़े एवं जितेंद्र ठाकुर समेत अनेक गणमान्य मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गडकरी पिछले 6 साल से क्षेत्र के विविध खेलों की होनहार खेल प्रतिभाओं के लिए क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। अमूमन इस तरह के आयोजन 1-2 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन गडकरी की संकल्पना का यह अनूठा खेल महोत्सव लगातार आयोजित हो रहा है। साथ ही इसमें लगातार सुधार हो रहा है, जो प्रशंसनीय है। कुल 1,35,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि देना कोई छोटी बात नहीं है। अगर पूरे देश में 300 सांसद ऐसा आयोजन करते हैं तो भारतीय खेल जगत के विकास में यह उल्लेखनीय पहल हो सकती है। उन्होंने कहा कि नागपुरवासी भाग्यशाली है कि उन्हें नितिन गडकरी जैसा सांसद मिला है। ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में शायद ही कोई सांसद होगा जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहा हो, जिसमें 65,000 खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का अवसर मिल रहा है। खेल मंत्री ने ये भी घोषणा की कि वह प्रतिभा की पहचान के लिए साई के प्रशिक्षकों और चयनकर्ताओं को नागपुर भेजेंगे और चयनित खिलाड़ियों को अनुकूलन शिविर में मौका मिलेगा। ठाकुर ने घोषणा की कि वह भविष्य में नागपुर में शिविर आयोजित करने का भी प्रयास करेंगे। खिलाड़ी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे 6वें खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आज अनुराग जी के हाथ से उद्घाटन हुआ है। पिछले 5 साल में हमारे इस क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेने वालों की संख्या तो बढ़ ही रही है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि इसका आनंद लेने वाले जो स्पोर्ट्स के सपोर्टर हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। इस साल करीब 65,000 खिलाड़ी 66 ग्राउंड पर 56 प्रकार के खेल खेलने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने हमसे अनुरोध किया उस खेल का हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। ये सब करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे नागपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर जाकर अच्छे खिलाड़ी बने और देश को उनके कार्य से, उनके खेल से देश में उनका अभिमान बढ़े। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पिछले साल जो भाग लेने वाला खिलाड़ी था देवतड़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए 3 मेडल लाने का काम किया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।